आपकी शान। ये रतन कहीं जाने की तैयारी कर रहा है क्या? शहर जा रहे हैं, कहते हैं वहीं कुछ कामकाज ढूंढ लेंगे। क्यों, यहाँ काम नहीं है क्या? अब वे ही जाने। न जाने कहाँ से क्या सुनकर आ जाते हो बाबूजी। मैं आता हूँ, किसी तरह एक सप्ताह गुजारा कर लेना। बाबूजी, मैं चलता हूँ। मैं प्रकाश कश्यप जी, बैंक मित्र हूँ। आप सभी का बैंक खाता खोलने की जिम्मेदारी मेरी है। पिछले दिनों आपकी बहू ने मेरी काफी मदद की, बुरा मत मानिएगा। रंजन, रंजन, आए कंचन। लगता है आज फिर शराब पीकर आ गया। क्या है, शराब पीकर क्यों चिल्ला रहे हो? सिर्फ 7 दिन में बाहर क्या गया, तुझे दूसरे मर्द की जरूरत पड़ गई। चुप चुप, और एक भी शब्द मत कहना। मैं क्यों गई थी, किसके साथ गई थी, ये गांव की सारी औरतें जानती हैं। अभी तुम और चिल्लाओगे तो सभी को बुला कर यही नाटक शुरू कर दूंगी। तुझे तो आज रतन, हाथ मेरा भी है बाबूजी, मैं भी हाथ उठा सकता हूँ। आपने पैदा किया था, इसीलिए आज तक बर्दाश्त कर रहा हूं। क्या दिया मुझे, हाँ क्या दिया? इसे इसे गले में घंटी की तरह लटका दिया, उसके सिवा क्या दिया? इस घर में मुझे घुटन सी होती है। अरे ओ पगले, क्या नहीं दिया तुझे? इन्हीं दो हाथों से मेहनत करके रोटी, कपड़ा, मकान सब दिया, स्कूल में दाखिला दिया। तूने पढ़ाई छोड़ दी और सिर्फ आवारागर्दी की। ये मेरी बहू कंचन लक्ष्मी है, पर तू इसे पहचान नहीं पाया। तो तू ही रह अपने लक्ष्मी के साथ, मैं चला। अरे ए, इतनी रात को कहाँ जा रहा है? पिताजी, उसे जाने दीजिए, आप चलिए, वो खुद आ जाएगा। आ जाइए। पिताजी, जाओ जाके नहा लो, कल जब से तुम आए हो इसी हाल में हो, बू आ रही है तुम्हारे शरीर से, जाओ जाके नहा लो। रानी बेटा, अपने बाप से बोल नहा धोकर कुछ खा ले, फिर मीटिंग में जाए, तभी सब कुछ पता चलेगा। सुना नहीं माने क्या कहा, जाओ जाके नहा लो।
अरे ओ लोकनाथ, बैंक वाले आ गए क्या? नहीं अभी नहीं, बस आते ही होंगे। और वो कांचनमती? कौन? अरे वो रतन की बीबी। आएगी आएगी, और रतन भी आएगा। और हाँ सुन, हमारे साथ तू भी एक खाता खोल ले। भगवान ना करे कल को अगर कुछ हो गया तो घर वालों के छाती पीट कर रोने से भी एक पैसा नहीं मिलेगा। अरे क्या बकवास कर रहे हो? अरे बैंक खाता खोलने का मतलब है तेरा 1 लाख का बीमा योजना, और भी कई फायदे हैं। अरे ओ मदन, तेरे महाजन के दिन पूरे हो गए। और हाँ, बाइक थोड़ा धीरे चलाना, वैसे भी तेरा बैंक का खाता नहीं है। हे कंचन, क्या हुआ? रतन कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। अरे तुम जैसे मजदूरी करने वाले लोग बैंक का खाता खोलकर क्या करोगे? क्या फायदा होगा बैंक का खाता? ये बैंक का खाता ही होगा मेरा भाग्य विधाता। रतन, अब तू कहाँ जा रहा है? बैंक वाले क्या कहते हैं सुनकर आता हूँ। अरे रात की उतरी नहीं है क्या? बीबी आगे आगे तू पीछे पीछे, लगता है रात को बीबी ने कुछ ज्यादा ही प्यार जता दिया इसलिए पीछे ही लगा हुआ है। उसके बारे में मत बोल मुझे। तो किससे बोलो? अरे सब जानते हैं, चंद रुपयों का लोन मिल जाएगा इसलिए तूने अपनी बीबी को उस बैंक वाले के पास भेज दिया। चुप कर मदन, ये मत भूलना कि अभी मैं नशे में नहीं हूँ। दोस्त है तू मेरा, इसलिए तुझे कह रहा हूँ। तुझे जब भी जरूरत पड़े, क्या महाजन ने तेरी मदद नहीं की? अरे बैंक के चंद रुपयों के लिए अपनी बीबी को? बकवास बंद कर, वो मेरे लिए नहीं गई है, तुम सब लोगों के लिए गई है। अरे छोड़ वो सब, अभी चल बैठ, महाजन के घर चलते है। मुझे नहीं जाना, तू ही जा। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। मालिक, मालिक के बच्चे, तू धोबी का कुत्ता बन गया है। ना घर का रहा ना खट का, अब फटफटिया यही सो जाओ। कहता था गांव की खबर रखने के लिए उसे एक फटफटिया चाहिए। 2 ही दिन में गांव में बैंक वाला आ गया है। क्या खाक खबर रखी है तूने? अरे गाधे, मेरा बैंक कौन चलाएगा? मालिक, उस रतन के बीबी ने हमें कहीं क्या नहीं छोड़ा। अरे जा रतन को पकड़, उसके बीबी के खिलाफ उसे फड़का, दारू सारू पिला। कल रात पूरी की पूरी बोतल पिला चुका हूँ उसे, कल फुल चार्ज में था, अभी के अभी पलटी मारी उसने। अरे पलट कर मेरे ही पास आएगा ना, जाएगा कहाँ? तू अपनी बीबी को रतन के बीबी के खिलाफ फड़का ताकि वो आग की तरह पूरे गांव में फैला दे, तब जाकर रतन सीधे रास्ते पर आ जाएगा। जा! मालिक उसे भी जोड़े जल्दी। हाँ हाँ ठीक है मालिक। आखिर ये बैंक वाले करना क्या चाहते हैं? मुन्ने, दो मुन्ने,
बोलो पिताजी। तेरी माँ कहाँ गई है? माँ कंचन बुआ के मीटिंग में गई है। मीटिंग? तेरी माँ भी मीटिंग चली गई? हाँ, माँ को लौटने में देर होगी। ओए, सुन सुनना, इधर आ। क्या है? क्या कर रही है ये सब? घर में काम नहीं है क्या? चल बैठ, घर चल, घर में काम है कुछ। तुझे दिख नहीं रहा मैं मीटिंग में काम कर रही हूँ? अरे मीटिंग करके कौन सा जंग जीत लेगी? जो करना था कांचन कर चुकी है, तुम लोग बस पीछे पीछे घूमते रह जाओगे। देखो कंचन हम सभी के लिए काम कर रही है। अरे हाँ हाँ, वो तो दिख रहा है, उस बैंक वाले के साथ रासलीला रचा रही है वो। ओए सुन, सबको बता दे, ये बात फैला दे, महाजन का आदेश है, जैसे भी करके इस मीटिंग को बर्बाद करना है। तू जाता है यहाँ से? क्या सब औरतों को बुलाकर तुझे शिशुपाल की तरह खदेड़ू? अरे क्या खुसुर फुसुर बातें कर रहे हो, हम भी सुनने आए क्या? जाओ यहाँ से तू। ये अच्छा नहीं हुआ, बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। अब मुझे ही इस मीटिंग को बंद करवाना पड़ेगा। कोई उपाय नहीं है मालिक, गांव के सभी वहां गए हुए हैं। जरूरत पड़े तो दंगा करवा दो, मारपीट शुरू करवा दो। किसे मारे मालिक? आपने ही बीबी बच्चों पर हाथ उठाना पड़ेगा। कुछ भी नहीं करेगा तो मेरी शान, ये रुतबा, ये दबदबा, साथ में तुम लोगों का घमंड, ये तो कुछ भी नहीं बचेगा। चुन इधर आओ। एक काम कर, जिसने भी हमसे उधार ले रखा है सबको अभी अभी यहाँ बुला लाओ। आज तो मुमकिन नहीं है मालिक, और थोड़े देर बाद बैंक वाले यहाँ आ पहुँचेंगे। क्या बैंक? बैंक बैंक बैंक, ये बैंक का नाम सुन सुन के मैं पागल हो जाऊंगा। हाय हाय, अब सबका हाथ में बैंक का खाता होगा, एटीएम कार्ड होगा, अब मेरा क्या होगा? अब आपका ये धंधा नहीं चलेगा मालिक। चुप कर गाधे, तू ये सोच, अब तो दारू कैसे पिएगा? तेरी बीवी अब घर में एक पैसा भी नहीं छोड़ेगी। बैंक में खाता खोलने पर दुर्घटना व स्वाभाविक बीमा का लोन मिलता है। तू मुझे सिखाएगा? भाग, दफा हो जाए यहाँ से। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, वरना उनकी और मेरे बीच फर्क क्या रहेगा? सब बराबर हो जाएंगे। अगर अमीर गरीब, ऊंच नीच का भेदभाव ही नहीं रहेगा तो हम जीवित कैसे रहेंगे? अबे गाधे, अरे मेरा मुंह क्या देख रहा है? चल भाग 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 यहां से। मेरे परम पूज्य सोनतोली गांव के निवासियों, और कुछ ही देर में बैंक के पदाधिकारी व सहयोगी हमारे सभा में पहुंचने वाले हैं। इसीलिए जो गांववासी अभी भी अपने घरों में हैं, वे कृपया करके जल्द से जल्द यहां पहुंच जाए। अरे ओ मालती, अंडे बेचकर तो नए कपड़े ले लिए, पर हंस खरीदने के लिए महाजन से जो 2,000 रुपए लिए थे उसका क्या हाल लिए थे? उससे तुझे क्या? तेरे महाजन बाप ने बुलावा भेजा है, अगर पैसे नहीं मिले तो तेरे तालाब से जाकर सारे हंसों को उठा ले आऊंगा। अरे जा जा, बड़ा आया मेरी हंसों को हाथ लगाने वाला, वही गर्दन दबोच लूंगी। हाँ जानते नहीं हो मुझे, चलो। बोल क्या कर कर आया है? कुछ भी नहीं हो सकता है मालिक। कुछ नहीं हो सकता से तेरा मतलब? मीटिंग बंद हुआ कि नहीं? अब कैसे बंद करूं मालिक, सब वही है। क्यों? तेरी बीबी
उसे काम पर लगाने के लिए कहा था ना? वे भी उनके साथ शामिल है मालिक। यूं कहिए कि गांव के कोई भी लोग बाकी नहीं है, मेरी बीबी, सेवती, मालती, मेनका सब। मालिक, मीटिंग खत्म होने के बाद उस बैंक मित्र प्रकाश को दो चार हाथ लगाओ क्यों? अरे चुप कर गाधे। अरे ये सरकारी बातें हैं, सरकारी लोग हैं। तू तो मरेगा ही, मुझको भी मरवाएगा। कुछ करने से पहले हजार बार सोचना पड़ेगा। सोचूंगा मालिक। अब चल। कहा? तेरे उस बैंक के मीटिंग में। हाँ हाँ। तो कार्रवाई शुरू करें सर। शुरू कीजिए। नमस्ते, पूजनीय सोंटोली गांव के निवासियों, और हमारे बीच उपस्थित होकर हमें धन्य करने वाले बैंक के पदाधिकारी गण, मैं आप सब का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अरे प्रकाश जाओ। जी सर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। तो फिर हम सभा का काम शुरू करें। उससे पहले हम आज हमारे बीच उपस्थित आदरणीय बैंक मैनेजर जी तथा बैंक मित्र प्रकाश जी का फुलाम गामोसा से स्वागत करेंगे। सिखा। देवियों और सज्जनों, मैं खुद बैंक मित्र प्रकाश जी के साथ आप लोगों के घर घर जाकर बैंक में अकाउंट खोलने की जानकारी दे आई थी। अब आज बैंक के पदाधिकारी खुद हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि बैंक में खाता खोलने के बारे में वे आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताए। प्रकाश जी। मेरे पूज्य गांववासियों, मैनेजर सर के कुछ कहने से पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि इस गांव में किसी भी व्यक्ति या घर का बैंक के साथ कुछ संबंध नहीं है और ना ही किसी के पास बैंक खाता है। यह तो जाहिर है, आप लोगों के गांव के ही बहू कंचन ने आप लोगों से इस तरह मिलने का जो हमें अवसर दिया है उसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इसमें उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं है, सिर्फ गांववासियों के स्वार्थ के लिए ही उन्होंने इतनी मेहनत की है, इसलिए उनके लिए एक जोरदार हाथ ताली होनी चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आज हमारे बीच मौजूद है आपके गांव के ही माननीय श्री हरिधन महाजन जी, जिन्होंने इतने दिनों तक अपने ही पैसों से आप लोगों की इतनी मदद की।
इसलिए उन्हें एक माला पहनाकर उनका सम्मान किया जाए। अब हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय मैनेजर जी प्रधानमंत्री जनधन योजना पर प्रकाश डालेंगे। सर आज्ञा दीजिए। नमस्कार आदरणीय गांववासियों, सबसे पहले मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं हमारे बैंक मित्र प्रकाश जी और आपके गांव के ही बहू कांचन जी के कहे अनुसार आज आप लोगों के बीच उपस्थित होकर बहुत ही आनंदित हूं। और सबसे बड़ा आनंद का विषय यह है कि आज आप लोगों के गांव के ही श्री हरिधन महाजन जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आज आजादी के इतने सालों बाद भी हमारे देश की प्रगति के लिए या यूं कहिए कि दरिद्र जनता की उन्नति के लिए सरकार की तरफ से जो सहायता पूंजी आती है उसमें से रुपये का सिर्फ 16 पैसा ही हम जनता तक पहुंचता है और बाकी सब भ्रष्टाचार में गायब। जनता हमेशा अपने हक से वंचित हो रही है और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारंभ किया और वो सन 2014 के 15 अगस्त को, और उसी साल 28 अगस्त से ये योजना लागू भी हो चुका था। देवी और सजनों, ये योजना हमारे आर्थिक अंतराल को दूर करेगी। आप लोगों को यह जानकर अचरज होगा कि इस योजना की घोषणा होते ही देश के 15 करोड़ लोगों ने इस जनधन योजना में अकाउंट खोलकर एक मिसाल कायम की है और मैं आशा करता हूं कि अब आप लोग भी इस जनधन योजना के अंतर्गत बैंक में खाता खोलकर देश के आर्थिक प्रगति में शामिल हो, और वो आज ही। इससे पहले आप लोगों को जब भी पैसों की जरूरत पड़ती थी तो आप लोग सीधे हरिधन महाजन जी के पास दौड़े चले जाते थे, है कि नहीं? मालिक, माला पहने हुए आप बिल्कुल विधायक लग रहे थे। विधायक? अरे चुप कर। अरे क्या कर रहे हो? ये ले। नहीं, ये हाँ। मुझे जो भी सजा देना है दे दो, मेरी बिटिया को अच्छा कर दो प्रभु। हाथ में पैसा ही नहीं रहे तो बैंक में खाता खोलेंगे कहाँ से? नौजवान, इस योजना के अंतर्गत बैंक में खाता खोलने के लिए पैसों की जरूरत नहीं होती। आप लोग जीरो बैलेंस में भी अकाउंट खोल सकते हैं। अब तुझे पढ़ाई इस तरह से करनी होगी कि तुझे छात्रवृत्ति मिले, और मैंने तो अभी बैंक में भी खाता खोल लिए है तो छात्रवृत्ति का पैसा वहीं जमा हो जाएगा, और थोड़े दिन बाद जब और कुछ पैसे जमा हो जाएंगे तो हम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अधीन एक गैस का कनेक्शन भी ले लेंगे।